जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ता जा रहा है, सच्चाई तो यह है कि लोगों के अंदर सहनशीलता कम हो गई है। आजकल की दुनिया में हम दुख के अंदर इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपने अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें भूल चुके हैं। उन्हीं कुछ वैल्यूज़ के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है, पूरे हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है, हमने कई सारे गुणों को डिस्कस किया, कई सारे वैल्यूज़ को डिस्कस किया। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सहनशीलता, अर्थात टॉलरेंस। सुनने में ही तकलीफ होती है, ये शब्द अपने आप में ही तकलीफ देह है कि टॉलरेंस करना है। आज की दुनिया में अगर किसी को बोला जाए कि आपको यह सहन करना है, तो हम सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम ही क्यों करें। सबसे बड़ा सवाल इधर उठता है। ऐसे में सहनशीलता का क्या महत्व है इस पूरे विश्व रंगमंच पर? सहनशीलता का क्या महत्व है? सबसे पहले तो आपने जो ओपनिंग रिमार्क दी, वो जो खूबसूरत बात है, वो बहुत अच्छी है, वो स्पष्ट करनी चाहिए जी, कि ये नहीं है कि भी दुख बढ़ रहा है, दुख तो उल्टा कम हो रहा है। करेक्ट ना, पहले तो लोगों को बहुत समस्याएं थी, है ना, कितना कष्ट सहन करना पड़ता था। बिल्कुल, है ना, फिजिकली कितना परिश्रम करना पड़ता था, तब शायद दो वक्त की रोटी उनको मिलती थी। बिल्कुल, मुझे याद है कि भी पानी भी नहीं होता था, कितना दूरी से पानी भर करके लाना, है ना, तब तो आपको स्नान के लिए पीने के लिए पानी मिलेगा। करेक्ट, तो देखो तो तब तो कहे कि भी तकलीफें ज्यादा थी। बिल्कुल, आज तो ऐसे करो शावर ऑन होता है, गर्म ठंडा पानी जैसा चाहिए वैसे मिक्स करके आता है ना। करेक्ट, फिर भी लोग टेंशन में है ना, लोग दुखी है। तो बस यही कहेंगे कि वहां उनकी सहनशीलता की कमी हो गई है। Correct. है ना, तो मेन चीज तो यह है। और दूसरा आप क्या पूछ रहे थे डॉक्टर साहब? मैं पूछ रही थी कि अगर सहनशीलता का इस पूरे विश्व रंग मंच पर क्या महत्व है। अच्छा, हाँ, तो एक भी कोई भी चीज के लिए कुछ तो आपको सहन करना पड़ेगा। करेक्ट, ये सिंपल, जैसे हम डॉक्टर बने जी, तो भी पढ़ाई करनी पड़ी है ना, कई बार तो भी 23 घंटे काम करना पड़ता था। बिल्कुल, तो तब तो उसकी प्राप्ति भी है ना। बिल्कुल, उस समय शायद कुछ दिन हो ऐसे काम किया, परंतु आज प्राप्ति है। Correct. तो उसको सहनशीलता नहीं कहेंगे, या तो कहेंगे कि महीने कुछ जैसे दुख सहन किया, ऐसा नहीं। वो तो एक भी खुशी खुशी हुआ, क्योंकि उसका फल मिलना है। करेक्ट, जो मूर्ति का उदाहरण आमतौर पर दिया जाता है कि भी पत्थर सहन करता है तब वो मूर्ति बनता है, वो पूजनीय बनता है। बिल्कुल, तो ऐसे जीवन में भी ना, जब आप कहेंगे कि मैं सहन कर रहा हूं, तो आपको दुख की अनुभूति होगी। करेक्ट, परंतु आप यह सोचेंगे कि मैं खुशी से कर रहा हूं तो अच्छी बात है। बिल्कुल, जैसे ना ये किसको सब हमारी संकल्प पर निर्भर करता है। किसको नहीं पनिशमेंट दिया जाए, कि दौड़ने की पनिशमेंट सपोज। बिल्कुल, कि तुमको दौड़ना इतना है ना, या तो उठ बैठ करनी है, पहले पनिशमेंट होती थी ना जी, उठ बैठ करने की पनिशमेंट होती थी। परंतु आज कहते कि भी कई एक्टर, बहुत सारे लोग कहते कि 200-200 वो सिटअप्स करते, मतलब वो एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनको खुशी है कि मैं एक्सरसाइज के लिए कर रहा हूँ। करेक्ट ना, तो जब आप जीवन में जो बातें आती है इस प्रकार से लो कि ये मेरी प्रगति के लिए है, ये मेरी उन्नति के लिए है, तो आपको खुशी है। और आप यह सोचेंगे कि मुझे सहन करना पड़ रहा है, मुझे तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो आप दुखी होंगे। करेक्ट, तो उसका प्रभाव नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हमें सहनशीलता को लेना है,
और कुछ छोटा भी अटेंड करने के लिए कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल है ना, भोजन भी बनाना है तो थोड़ा कष्ट करना है, वो सहन करना हुआ, करेक्ट है ना, स्नान करना है तो भी, तो नहीं तो कोई कहे स्नान करूं ही नहीं मैं है ना, true, वो भी मुझे साबुन लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल, है ना, थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा है, बिल्कुल, परंतु उससे आप फ्रेश फील करते हो, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज के जनरेशन में एक कोट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि नो पेन नो गेन, परफेक्ट है ये जो थॉट प्रोसेस है, जैसे जिम जाने वाले लोग खास करके इस चीज को बहुत यूज करते हैं कि इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। ये अगर हम लाइफ के ऊपर भी निर्भर करता है कि अगर हम लाइफ को भी इसी तरह से ले लें कि बिना किसी पेन के आपको गेन तो मिलने वाला है नहीं, तो ये भी आपके अंदर सहनशीलता को बढ़ाएगा। और दूसरा ये हो सकता है, जैसे ये बात भी ठीक है, परंतु भी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि भी आप भी गेन के लिए कष्ट करते जाओ, नहीं, टैक्टफुली करो तो जल्दी भी मिलेगा, बिल्कुल, परंतु फिर भी बात तो ठीक ही है, बिल्कुल, कि कुछ थोड़ा तो सहन करेंगे तब आप वहां आपको प्राप्ति होगी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिंदगी में, जैसे कि वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप या सास और बहू का रिलेशनशिप या कोई भी तरह का रिलेशनशिप, अगर हम सहन करते हैं तो हम कमजोर माने जाते हैं, ये बात किस हद तक सही है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में जो ज्यादा सहन करता है उसको और ज्यादा सहन करने पर मजबूर किया जाता है। ऐसे में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए सहन करने के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट ना हमारा चला जाए, जाए बिल्कुल, ये चीज को कैसे ध्यान रखा जाए? नहीं, आपका बात बिल्कुल ठीक है कि भी कहाँ तक सहन करना है, करेक्ट, जिसको कहेंगे कहाँ एसर्ट करना है, भी अपनी बात बतानी है, ये भी एक वैल्यू है, इसकी हम चर्चा भी करेंगे जी। तो वह हमें तय करना है, और शुरू में तो देखो तो भी अगर सपोज भी सास है वो कुछ कष्ट दे रही है बहू को, कि वो सचमुच आपको लगे कि भाई ये कोई पर्पस से कर रही है ना, एक बार तो आप समझाने की भी कोशिश करो, करेक्ट, या तो वो एटीट्यूड भी लो, क्यों कि भी उनकी ही ये विकृति है एक प्रकार से, जैसे आमतौर पर यही होता है कि भी मेरी सास ने दुख दिया तो मैं बहू को दुख दे रही हूँ ना, परंतु बिल्कुल गलत है, करेक्ट, उल्टा आप उससे अपोजिट हो सकते, करेक्ट, और यहाँ पर देखिए कि भी बहू का जो रोल है वो इस प्रकार से हो सकता है कि उनका अप्रोच ही ये गलत है, कि भाई उनको आप ऐसे देखो कि एक विकृत मानस है। यदि को एक सिंपल सा उदाहरण आपको देते हैं जी, कि भी आप रास्ते में चल रहे है ना, चलते चलते कोई आपको ठोकर मार देता है, आप गिर जाते हैं, है ना, आपको चोट आती है, तो कैसा फील होगा? दर्द होगा, हाँ, और भी उसको मैं खड़ा होकर कुछ बोल दूं, करेक्ट, गुस्सा आएगा, अक्ल नहीं है क्या, बिल्कुल, है ना, दिखता नहीं, कुछ ना कुछ बोल दे, गुस्सा, बिल्कुल, हाँ, कि भी आप वो स्टेट ऑफ माइंड में है ही, और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो अंधा है, तो दया आ गई, हाँ, तो नहीं, वो गुस्सा खत्म हो जाएगा, उल्टा तुरंत आप उठेंगे, है ना, उसकी लकड़ी गिर गई तो उसको हाथ में पकड़ाएंगे कि भैया तुझे लगा तो नहीं, अपना भूल गए, उसको पूछ रहे कि तुझे लगा तो नहीं, करेक्ट, है ना, हो सकता है कि उसको रास्ता भी क्रॉस करा देंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी कि ये जो है वह कहेंगे मानसिक रूप से वह ब्लाइंड है, करेक्ट, मानसिक रूप से एक विकृति है, ब्लाइंड ना भी कहो कि भाई किसको पैरालिसिस हो गया, तो यह एक प्रकार से साइकोलॉजिकल पैरालिसिस हो गया है ना, उसके कारण इस प्रकार से वह वर्तन कर रहे हैं, करेक्ट, है ना, तो उन पर उल्टी हमें दया आए, एक एक ये पहलू। फिर अभी बड़ी बात है कि भी कहाँ तक हम दया करें, है ना, वो तो दुख दिए ही जा रहा है ना, तो एक लेवल पर यह आ सकता है कि आप उनको एक्सप्लेन भी करो, एसर्ट करो कि आपका कोई भी पर्पस होगा, आप खुद इसके बारे में सोचो, नहीं, परंतु इस बात को यहाँ तक ही हम टॉलरेट कर सकते हैं, करेक्ट, वो एसर्ट करना चाहिए, और नहीं करना भी अच्छा नहीं है, करेक्ट, शायद पहले भी हमने चर्चा किया और कहीं मैंने की होगी, जिसको कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, ओके,
कि भाई फ्रॉग को मारने का ही तरीका है, कहते हैं कि भाई उबलते पानी में डाल दो, तो पहले तो क्योंकि अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाता है तो एडजस्ट करता जाता, उसको लगता है कि एक दिन एक लेवल आएगा तब ये पानी और ज्यादा गर्म नहीं होगा, परंतु पानी तो गर्म ही हो रहा है, है ना, 100 डिग्री पे चला गया, तो वो लेवल ऐसी आती है कि अभी वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकता है और अभी जंप भी नहीं मार सकता है, तो वो मर जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको ये भी समझना है कि भी कहाँ तक सहन करना है और कहाँ तक, कहाँ पर जंप मारना है। करेक्ट। तो कहीं रिलेशनशिप से आपको फ्री भी होना पड़ेगा, लेकिन पहले प्रॉपर हम कोशिश करें। करेक्ट। क्योंकि अधिकतर है ना व्यक्ति को अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। हमारे पास भी जो केसेस आते हैं तो उसमें तो जब हम सुनते हैं तो जो व्यक्ति बोल रहा है कि भी मैं एकदम सही हूँ ये है, तो वही गलत होता है। अच्छा। परिवर्तन की उसी को जरूरत होती है, एक न्यूट्रल रूप में अगर देखे तो उसी व्यक्ति को परिवर्तन की जरूरत, परंतु तो मानता ही नहीं कि मुझे परिवर्तन की जरूरत है। तो यह क्लैरिटी भी लानी पड़ेगी, यह बात भी उनको स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं टॉलरेंस की, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे ऑफिस की बात करें, हम ऑफिस में प्रमोशन के लिए हम क्या क्या नहीं करते। हम अपने बॉस को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, सारे काम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ड्यू टू सम और दी अदर रीजन मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, मेरे बाजू वाले को प्रमोशन मिल जाता है। ऐसे में सहन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर या तो एक ऑप्शन होता है मेरे पास कि मैं जॉब छोड़ दूं, दूसरा जॉब लूं, या दूसरा ऑप्शन रहता है कि मैं फिर से सहन करके इस चीज को भूल करके डबल मेहनत करके अगली बार प्रमोशन हासिल करूं। दो तरीके होते हैं ऐसे सिचुएशंस में, खास करके जो पेशेंस लेवल है वो बहुत टेस्ट किया जाता है। तो इस सिचुएशन में आपकी क्या राय है, किस तरह से पेशेंस को मेंटेन रखते हुए अपने परफॉर्मेंस को बेटर देते हुए और फिर प्रमोशन को हासिल करें। जैसे पहली बात तो कि सचमुच देखना चाहिए, कई बार हमको लगता है जी। आप कहते वैसा भी होता है। करेक्ट। मैं मानता हूँ 10 में 2 किस्से ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर कुछ पार्शियलिटी हुई, परंतु 7-8 किस्सों में देखेंगे तो हमें लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, परंतु सचमुच नहीं है। जो आजकल नहीं, कॉर्पोरेट जो अच्छे है ना वहाँ पर तो प्रॉपर इवेल्यूशन होता है। करेक्ट। एक बॉस डिसाइड नहीं कर सकता है, कई बार टीम मेंबर्स भी इवेल्युएट करते हैं आपको, तो अपनी गलती हो सकती है कि सचमुच मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मेरा अच्छा है। करेक्ट। एक ही। करेक्ट। सेकंड भी आप कहते वह बात भी ठीक है कि ऐसा होता है सचमुच, तो तब हमें ऑप्शंस को देखना, ये नहीं सोचो कि मुझे सहन करना पड़ रहा है। आप सिर्फ यही सोचो कि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। ओके। कि इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। करेक्ट। तो उल्टा वहां पर आप खुशी खुशी करो, ये नहीं कि मैं तकलीफ उठा के कर रहा हूँ। करेक्ट। ये सिनेरियो में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो बेटर है कि इसी को मैं अच्छे से करूँ और उमंग उत्साह से करूँ। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपने अंदर सहनशीलता को बढ़ाना है तो चीजों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। खास करके जो हमारा नजरिया होता है वही तय करता है कि हम क्या फील करते हैं। अगर हम उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव हो जाएं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा, मैं और मेहनत करूंगी, वो एटीट्यूड वाले लोग शायद आगे बढ़ते हैं। खास करके मैंने उन लोगों को जो सक्सेसफुल होता है, मैंने उनसे जब भी बात की है तो उनसे यही सुनने को मिला कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। बिल्कुल। अगर गलतियों से हम सीख कर करके आगे बढ़ेंगे तो सहनशीलता करने बहुत आसान होगा। अगर हम सामने वाले व्यक्ति को ही ब्लेम करते रहेंगे तो वो होने वाला है। नहीं है, वो ब्लेम गेम नहीं करनी है। बिल्कुल। और उस समय की भी चॉइस नहीं है मेरे पास, और इसमें भी शायद कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। मैं नया सीखूंगा, है ना, मेरा टॉलरेंस बढ़ेगा, यहाँ पर मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी जी। और इसमें भी स्पिरिचुअल नॉलेज हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा। क्योंकि तुम, आपका माइंड पीसफुल है, करेक्ट, है ना, तो आप इंपल्सिव निर्णय नहीं लेंगे ना, सोच समझ करके निर्णय ले। तो ऐसे में ना कई बार तो लोग इंपल्सिव रिजाइन करके आ जाते हैं। करेक्ट।
दूसरा जॉब है ही नहीं उनके पास तो, या तो कई बार तो उल्टा सीधा बोल देते, फिर हो सकता है कि तब बॉस आपको कुछ बोलेगा नहीं अगर उसको जरूरत है तो, लेकिन फिर जैसे ही मौका मिलेगा आपको निकाल देगा वो। करेक्ट। तो तब हमें संबंध भी नहीं बिगाड़ने, आपने अन्याय किया, आपने पार्शियलिटी की, ऐसा किया, तब उल्टे एक बार समझे पीसफुली स्टेबल रह करके, मैं और अच्छा करूं, है ना, मेरी कैपेसिटी को बढ़ाऊं, और नेक्स्ट टाइम तो ऐसा कुछ होना नहीं है। करेक्ट। है ना, कई बार होता है कि भाई कोई उनका रिश्तेदार ही है कि उनको उन्हें प्रमोट करना है, करेक्ट, या कहीं हायर कोई प्रेशर आया है उन पर कि इसको प्रमोट करो, वो रोल कर रहे हैं, वो भी उनकी गलती नहीं होती है, ये तो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं तो पॉसिबल, एक ये भी पॉसिबल है कि कहीं से प्रेशर्स आए उनके ऊपर, है ना, exactly. उनकी गलती नहीं है। और आध्यात्मिकता में भी बताती कि देखो मेरा ये रोल है, जो कहा भी ना कि लाइफ इज अ सुपर मेगा सीरियल, करेक्ट, तो भी ये सीरियल में मेरा रोल है, है ना, जब ऐसा हो तभी तो सीरियल अच्छी होगी ना, करेक्ट, नहीं तो भी जो अपने मेहनत की प्रमोशन मिला आगे बढ़े तो कुछ भी नहीं है। True. है ना? तो इस बात को भी आप लेंगे कि एक जीवन रूपी सीरियल है, इसमें मेरा ये रोल है, ये रोल मुझे अपना बेस्ट रूप से बजाना है ना, प्रमोशन मिलता तो शायद मेरी तनख्वाह बढ़ती, है ना, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती। True. है ना, तो यहाँ पर चाहे तनख्वाह कम है थोड़ी सी, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है, और यह एक मेरी चॉइस नहीं है, या तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है, है ना, तो इसलिए फिर उस स्टेट में हम खुशी खुशी कर सकते हैं। करेक्ट। है ना, आप डिस्टर्ब होके कुछ बोल देंगे ना तो उल्टा बुरा परिणाम मिलता है। डॉक्टर साहब, मैंने एक और चीज नोटिस की है, जो ज्यादा सहन करते हैं वो दो तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, या तो वो अंदर में उस चीज को घर करने देते हैं, वो जो तकलीफ है उसे जमा करते जाते हैं अपने अंदर में, भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, एक समय आता है जब वो ब्लास्ट होता है, और वो कई बार डिजास्ट्रस ही होता है, कई बार रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं ऐसे में, कई बार जॉब छूट जाती है ऐसे में, कई बार हमारी अपॉर्चुनिटीज छूट जाती हैं ऐसे में, सही तरह से सहन करना क्या होता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं सहन करती हूँ तो कहीं ना कहीं एक लेवल अपने आप को अंदर से तोड़ती हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार, लेकिन जो वो पेन है वो बिल्टअप होता रहता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक बार वो ब्लास्ट हो जाता है। तो कौन सा सही तरीका है पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने का, जिससे हम पेंटअप पेन की तरफ आगे ना बढ़े? वो पेंटअप तो नहीं होना है, बिल्कुल, जो पेंटअप होगा तो नुकसान करेगा, करेक्ट, है ना, चाहिए तो एक बार रो लो हाँ। ताकि वो निकल जाए, है ना। True. जैसे आज नहीं, कई कंपनीज में टॉप में बॉसेस के स्टैच्यूज बने हुए है ना, कि तो पंचिंग बैग की तरह उनको मार सकते, करेक्ट, तो ऐसा भी कुछ कर लो ताकि आपका गुस्सा निकल जाए, करेक्ट, और फिर यह सोचो कि अभी मेरा रोल है, मुझे बेस्ट वे में निभाना है, है ना, ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, प्लान है ना, ऐसा कुछ कि भी भगवान का मेरे प्रति प्लान है। वाओ, अमिताभ बच्चन ये कहते, कई बार इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है, मैंने भी ये जिक्र किया है कि भाई कई बार मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है ना, तो और भी अच्छा है। और सच में डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ईश्वर का उसमें कहीं ना कहीं उनका जो चाह है वो पूरा हो रहा है, ये थॉट ही अपने आप में कितना डिवाइन थॉट है। हम कितना रिलैक्स फील करते हैं जब हम ये बोलते हैं कि चलो मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई, उसकी इच्छा पूरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को लाइट महसूस करते हैं। लेकिन कई लोग इसमें नेगेटिव भी कहते हैं कि ये तो कमजोर विचार है। अच्छा, लेकिन उसको कमजोर विचार नहीं समझो, चाहे चलो आप ये भी को भी गॉड्स प्लान नहीं है, करेक्ट, तो इतना तो कम से कम स्टेट ऑफ माइंड बनाइए कि भी अभी मेरे सामने यह है, है ना, मुझे इसे ग्रेसफुली लेना है और इसको मुझे बेस्ट करना है, यह सिचुएशन में आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट, करेक्ट, है ना, तो लाइट रहेंगे, फिर कोई बीमारियां भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या बनता जा रहा है, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं सहनशीलता का एक कारण बन सकता है। कमी, सहनशीलता की कमी है तो स्ट्रेस बढ़ेगा,
पेशेंस की कमी अगर है हाँ, तो तो स्ट्रेस हाँ, बढ़ेगा। आज जो स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि करेक्ट, लोगों में पेशेंस की कमी है, थोड़ी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ नर्वस हो जाते हैं, करेक्ट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो उससे बाहर निकलने के लिए डॉक्टर साहब कौन से ऐसे तरीके, कोई ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स जैसे आपके हमेशा होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हाँ हैं, जी प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट टेक्निक्स, हाँ क्योंकि उसके थ्रू या तो आप फिजिकली उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं या तो मेंटली आप उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं जिससे आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसने आगे भी हमने चर्चा की है जिसको कहते हैं 4 C's, ओके कि उसको चैलेंज के रूप में लो okay. तो आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, है वाओ ना। दिस इज नाइस। दूसरा जो आपके कंट्रोल में है वह करो, है ना, कंप्लेन नहीं करो। तीसरी बात है कि कम्युनिकेट करो, नहीं ये फीलिंग कम्युनिकेट करो आप, जी कोई आपके फ्रेंड है उनके साथ, कलीग्स के साथ, परिवार में, ताकि वो बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल और चौथा है कि अपनी कोपिंग स्किल्स को बढ़ाओ, ओके है ना, कि कहीं मैं जैसे मैंने कहा कि भाई 70% तो आपकी कमी है, कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, करेक्ट तो वो स्किल्स को आप बढ़ाओ, है ना, आपका काम करने का जो तरीका है उसको चेंज करो, जी है ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम प्रमोशन मिलेगा। थर्टी करेक्ट परसेंट वो भी पॉसिबिलिटी कि कुछ पार्शियलिटी हुई, है करेक्ट ना, तो तब भी उसको ग्रेसफुली लो, भी डिस्टर्ब होकर के फायदा नहीं है, बिल्कुल है ना, उल्टा इसमें भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रू है ना, मैं और अच्छी तरह से करूँगा इसको। और ऐसे अगर वो 30% में भी आप आते हैं और उसको पॉजिटिवली ग्रेसफुली लिया, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला बॉस को, है ना, या तो और कोई प्रकार से आप डिस्टर्ब नहीं हुए, तो नेक्स्ट टाइम उल्टा वो और ज़्यादा आपको कहीं फेवर करेगा कि देखो इनको मैंने ऐसा पार्शियलिटी की थी, फिर भी उन्होंने मेरे प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा और अपनी फुल एनर्जी से वो काम कर रहा है, सो नो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट ही विल कंसिडर योर केस। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि सहनशीलता की एक ऐसी पीक स्टेज आ जाती है जब गुस्सा आ जाता है, ऐसे में अपने आप को कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए? तो बिल्कुल ठीक है कि जब आप समझ रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, नहीं, मेरे अगेंस्ट हो रहा है, तो गुस्सा आएगा। ये पॉसिबल है कि ऐसा रेयर केस हो सकता है कि जहाँ आपको लगे कि ऐसा हो रहा है और आप कोई प्रकार से कैंपेन करो, है ना, कुछ अवेयरनेस लोगों के अंदर डेवलप करो वो, लेकिन सोच समझ के करना है। आज कई बार लोगों ने किया है और बॉस को नाराज कर दिया, फिर तो बॉस आपको इतनी तकलीफ देगा कि बात मत पूछो, है ना, उससे नहीं करना है तो कर भी सकते, ये एक उपाय है, करेक्ट, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस है सोचने, कुछ भी इम्पल्सिव नहीं करना है। करेक्ट। और दूसरी एक बात कि ये सोचना है कि भाई साइलेंस इज गोल्ड एक्चुअली, है ना, तो भी मैं उल्टा साइलेंस में रहूं, हल्का और तरीके से हो जाऊं, नहीं क्या, अलग अलग तरीके हो सकते कि जिससे आप हल्के हो जाए और साइलेंस में रहे, तो उल्टा आपकी भी तरक्की होगी और कोई नेगेटिव जो सामने से रिस्पांस आएगा, नेगेटिव रिस्पांस को आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और लेकिन इसमें भी स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, मेडिटेशन जो करेंगे वही कर पाएंगे, नहीं तो अधिकतर तो लोग इम्पल्सिव ही होते हैं, ओके, है ना, कुछ ना कुछ सीधा उल्टा सीधा बोल के रिजाइन करके आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इम्पल्सिवनेस से डील करना है तो मेडिटेशन बहुत ज्यादा हाँ, आपको हेल्प और करेगा। इम्पल्सिव कभी नहीं होना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा एपिसोड रहा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एपिसोड था ये। हमने ये जाना कि किस तरह से सहनशीलता हमारी ज़िंदगी को एक नए मायना देता है। हमने ये जाना कि अगर हम सहन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर है, वो हमारी ताकत भी बन सकता है और हमें विजयी होने में हेल्प भी कर सकता, सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि ये जो जिंदगी रूपी शरबत है उसमें अगर मिठास लानी है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में सहनशीलता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सुनने में तो ये तकलीफ देर लगता है दोस्तों, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, कुछ समय पर चुप रहते हुए, कुछ समय पर सही बात बोलते हुए आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो आपको ईश्वर के करीब लेके जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहन करने की शक्ति तो ईश्वर में है। हमारी कितनी भी गलतियाँ हम करते हैं,
फिर भी वो हमें माफ करते हुए हमें उतना ही प्यार देते हैं जितना वो देना चाहते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो शांतिवन आबू रोड। कॉल 8094913487।